search content and access the internet. So, अगर हमें वेब में सर्च करना है तो what all are the things a user need? These are the things listed below. A search engine, keyword, spider, hit, and search box. These are the things which a person will require for searching an internet. Okay. तो अभी यह पिक्चर देख लो एक बार. पिक्चर में थोड़ा अच्छे से देखो कि कौन कौन सा जैसे कीवर्ड जहाँ पे आप जो वर्ड आप सर्च करते करने के लिए यूज करते हो उसको क्या बोलते हैं, कीवर्ड कहते हैं. हियर यू गिवन द वॉइस कमांड जिससे आप वॉइस के थ्रू सर्च कर सकते हो, कमांड दे सकते हो. देन आफ्टर दैट इट विल ट्रेस योर वॉइस एंड गिव यू द रिजल्ट. देन जिस बॉक्स में आप हम टाइप करते हैं ठीक है उसको क्या बोलते हैं, सर्च बॉक्स. देन कम्स द यूआरएल. यूआरएल क्या हो गया, जो आपका लिंक आ रहा है पूरा, जो लिंक आता है उसको क्या कहते हैं, यूआरएल. ओके देन कम्स द सर्च इंजन जहाँ आप सर्च करते हो, जिस बॉक्स में हम लिखते हैं सर्च के टाइम पे. While searching, when we are writing in the search box, इसके जस्ट साइड में आपने देखा होगा सर्च इंजन साइन बना रहता है. ओके देन कम्स द हिट और हिट पेज, यानी कि आपके पास वंस यू हैव टाइप्ड इन द सर्च बॉक्स, सर्च बॉक्स में एक बार आपने टाइप कर लिया कॉन्टेंट कि आपको क्या सर्च करना है ना, जिसको हम कीवर्ड कहते हैं, आपने उसमें फीड कर दिया है कीवर्ड. देन आफ्टर दैट क्या होता है, बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं, उससे रिलेटेड कंटेंट जितना भी होता है वो क्या होता है, ओपन हो जाता है. तो उसको जितने भी जो कंटेंट आपको शो हो रहा है, फ्लैश हो रहा है, उसका जो हेडिंग होता है जो ब्लू में लिखा रहता है उसको क्या कहते हैं, हिट पेज. ओके और यानी कि जितने भी कंटेंट अवेलेबल है उन सबको हिट पेज कहते हैं. और आपको जो सुइटेबल लगता है, मोस्ट ऑफ द टाइम वी जनरली गो फॉर द फर्स्ट हिट पेज, जो सबसे पहला हिट पेज होता है हम उसी को क्लिक करते हैं, राइट. उसके बाद आप हिट पेज में क्लिक करोगे तो पूरा कंटेंट ओपन हो जाता है. ये सारे हो गए पिक्चर के अकॉर्डिंग. नाउ वी आर गोइंग टू रीड वन बाय वन कि बेस्ड ऑन द बुक हाउ वी कैन डिफाइन दीज these terminologies. Okay, a search engine. Search engine kya hai? A software program that enables the user to find a website, web page, on or any file on internet. ये हमने already ये terminology हमने already पढ़ी भी थी. Same thing है. एक software program है जो कि हमें क्या करता है, किसी वेबसाइट को फाइंड आउट करने में, किसी वेब पेज को फाइंड आउट करने में, और किसी भी तरह के फाइल है, वेब पेज है, वेबसाइट है, इसको फाइंड करने में हेल्प करता है. तो सर्च इंजन इज ए सॉफ्टवेयर प्रोग्राम. ये एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो आपको वेबसाइट, वेब पेज, वेब फाइल्स इनको सर्च करने में हेल्प करता है. ओके नेक्स्ट कम्स द कीवर्ड. Keyword is also known as search text. Keyword को ही हम क्या कहते हैं, search text भी कहते हैं. अब search text का क्या मतलब होता है, क्योंकि ये क्या है, एक particular word या particular sentence होता है जो कि हम search box में enter करते हैं ताकि हम उससे related content हमें मिल सके. Okay? So this is about keyword. Keyword को ही हम search text कहते हैं. Next comes the spider. As per the entered keyword, a software called spider
searches an endless the web page within no time which contain that particular keyword. Different search engine have different type of spiders, therefore the search speed varies accordingly. ठीक है, तो स्पाइडर, व्हाट इज स्पाइडर? स्पाइडर इज अ सॉफ्टवेयर. जैसे ही आपने सर्च बॉक्स में कीवर्ड को फीड किया, ठीक है, आपको जो कंटेंट सर्च करना था वो कंटेंट आपने सर्च में, सर्च बॉक्स में क्या कर दिया, फीड कर दिया, टाइप कर दिया. अब इसके बाद जितना, मतलब जब आपने टाइप कर दिया और आपने जैसे एंटर कर दिया, यानी कि आप, और एल्स यू हैव क्लिक ऑन सर्च बटन, है ना, सर्च बटन में आपने क्लिक कर दिया, तो जितने टाइम तक आपके पास में ये हिट पेजेस ओपन होते हैं, मतलब नीचे आपके पास ऑप्शंस आने शुरू हो जाते हैं, जितने भी पेजेस आने शुरू हो जाते हैं, वो जो टाइम पीरियड होता है उसको क्या कहते हैं, स्पाइडर. जो वो प्रोसेस होता है बेसिकली, जो सर्च में जो प्रोसेस होता है ना, जो सर्चिंग का टाइम का प्रोसेस लेता है, जैसे विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड होता है. कई बार अगर इंटरनेट स्लो है तो थोड़ा लंबा टाइम लग जाता है सर्च करने में, कॉन्टेंट को फ्लैश होने में, उसको क्या कहते हैं, स्पाइडर कहते हैं. तो बेसिकली spider is a software which indexes the web pages within no time, जो कि क्या करता है, web pages को open कर देता है, या फिर आपके सामने उसको endless कर देता है, मतलब आपके सामने display कर देता है. नीचे जैसे open होता है तो क्या होता है, बहुत सारे web pages आ जाते हैं, उसमें से आपको जो भी content आपको लगता है कि इसका content better हो सकता है, आप उसमें click करते हो, उसे open करते हो, and you go through it. तो जो वो प्रोसेस का टाइम लेता है ना, जितना प्रोसेस है उसको, वो उसको कहते हैं स्पाइडर. देन कम्स द हिट. द एनलिस्टेड पेज, द एनलिस्टेड पेजेस बाय द स्पाइडर इज कॉल्ड हिट. अब जैसे जब सर्च हो गया, उसके बाद जितने भी पेजेस आपके सामने ऑप्शन में ओपन हो रहे हैं ना, उसको क्या कहते हैं, हिट. और उसको हिट कह सकते हो या फिर आप हिट पेज कह सकते हो. ठीक है, तो विच कैन बी क्लिक टू एक्सेस रिलेटेड पेज ऑन द वेबसाइट और वेब पेज. तो आप हिट पेज में या फिर हिट में जाके अगर आप क्लिक करोगे तो आपको जो भी सेलेक्टेड पेज होगा वो अपने आप ओपन हो जाएगा आपके सामने. तो स्पाइडर ये होता है, जब आपको अगर से आपको कोई कंटेंट सर्च करना है, आपने उसे टाइप कर दिया, ठीक है, उसके बाद आपने कर दिया एंटर और या फिर डन, या फिर सर्च का जो सिंबल होता है उसमें आपने क्लिक कर दिया, कोई सा भी किया, ठीक है, एंटर कर दिया, सर्च कर दिया, या फिर सर्च के सिंबल में क्लिक कर दिया, है ना. इसके बाद जब जैसे आपने टाइप करा और सर्च में आपने क्लिक किया, उसके बाद जब पेजेस ओपन होते हैं, यानी नीचे जो ऑप्शन आने लग जाते हैं, उसका जो टाइम पीरियड होता है दैट इज कॉल्ड स्पाइडर. और वो सर्चिंग का जो प्रोसेस होता है उसको क्या कहते हैं, स्पाइडर. ओके, here one note is given, user cannot only search text related to the keyword but also related news image video maps and more. So, jaise hum sirf aur sirf kya kehte hai, jaise koi word hai usse related text ko hi hum search nahi kar sakte. Agar aapko jaise aapne kuch type kiya usse related, agar aapko sirf aur sirf image chahiye to aap niche dekho uske jaise जो यहाँ पिक्चर में भी दिया हुआ, जिस सर्च बार है ना, सर्च बॉक्स है, सॉरी, जहाँ आप टाइप करते हो उसके नीचे देखो ऑप्शन में लिखा हुआ है, यहाँ देखो, ऑल न्यूज मैप इमेज वीडियो ऐसे करके आता है ना हमारे, जब आप इंटरनेट चलाते हो. हाँ, तो हम, इसका मतलब क्या होता है, जो भी आपने कीवर्ड डाला है ना, फीड किया है सर्च बॉक्स में, उससे रिलेटेड आप सिर्फ टेक्स्ट नहीं मिलेगा आपको. अगर आपको उससे रिलेटेड कोई न्यूज चाहिए तो आप न्यूज में क्लिक कर दो, अगर उससे रिलेटेड आपको सिर्फ पिक्चर्स चाहिए तो आप पिक्चर में क्लिक कर दो, उससे रिलेटेड आपको सारी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप ऑल में क्लिक कर दो. अगर आपको सपोज करो कोई ऐसा किसी प्रोडक्ट के बारे में आपने लिखा है, ठीक है, तो पहले आपको न्यूज चाहिए था तो आपने न्यूज में क्लिक किया, फिर आपको उसके उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहिए था तो आपने टेक्स्ट में क्लिक किया, ठीक है, कोई प्रोडक्ट है, उसके बाद लास्ट में आपने ये सब चीजें पढ़, न्यूज पढ़ लिया आपने और आपने उससे रिलेटेड टेक्स्ट पढ़ लिया, उसके बाद आपको लगा कि ये प्रोडक्ट अच्छा है, नाउ यू वांट टू परचेज, अब आप उसको परचेज करना चाहते हो, फिर परचेज में जाओगे,
तो जो जो जिस जिस वेबसाइट्स में वो सारे वो जो प्रोडक्ट है वो अवेलेबल होगा, वो सारे वेबसाइट ओपन हो जाएंगे, जैसे अमेजोन में है, फ्लिपकार्ट में है, से नायका में है, तो ये सारे मिंत्रा कोई सा भी है, जो भी है, मतलब जो प्रोडक्ट होगा रिलेटेड टू इट, जहां जहां जिस वेबसाइट में वो प्रोडक्ट अवेलेबल है, वो वेबसाइट सारे आपको शो होने लग जाएंगे। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपके पास किस वेबसाइट का एक्सेस है, आप किसके थ्रू परचेज करना चाहते हो, आप किसको रिलाई करते हो, है ना, आप और मतलब डेली बेसिस में किससे परचेज करते हो, उसमें क्लिक करोगे, उसके बाद जाके आप परचेज कर सकते हो। तो इतना सारा ऑप्शन अवेलेबल रहता है। नेक्स्ट कम्स द सर्च बॉक्स। सर्च बॉक्स, अ बॉक्स डिस्प्लेड बाय सर्च इंजन वेयर कीवर्ड्स कैन बी एंटर थ्रू टाइपिंग और थ्रू वॉइस कमांड। तो सर्च बॉक्स क्या होता है? ये एक बॉक्स है जो कि किस जो कौन डिस्प्ले करता है। दिस सर्च बॉक्स इज डिस्प्लेड थ्रू सर्च इंजन। सर्च इंजन जो सॉफ्टवेयर है वो डिस्प्ले करता है सर्च बॉक्स को, ठीक है। अब सर्च बॉक्स में क्या करते हो, आप कीवर्ड को एंटर करते हो, या फिर समटाइम यू कैन एंटर कीवर्ड, और किसी टाइम पे ऐसा हो सकता है कि आपको अगर किसी वर्ड का या किसी चीज का एग्जैक्ट स्पेलिंग नहीं पता, या फिर देर इज सम अर्जेंसी, या फिर कोई भी चीज है कि आप टाइप नहीं कर सकते हो एनीथिंग, तो आप क्या कर सकते हो, उसमें वॉइस कमांड भी होता है। वॉइस कमांड में क्लिक करोगे, और जैसे आपने क्लिक किया, आप जो आपको वर्ड बोलना है, यू विल से इट क्लियर, लाउडर एंड क्लियरली, आप एकदम थोड़ा जो आपका नॉर्मल टोन है उससे थोड़ा ज्यादा टोन में बोलोगे, एंड क्लियर बोलना है, ठीक है, बोल के तब तक, जब तक आप, टिल द टाइम यू आर स्पीकिंग यू हैव टू प्रेस द वॉइस कमांड, ओके, एंड आफ्टर दैट वंस यू हैव कंप्लीटेड स्पीकिंग द वर्ड और गिविंग द कमांड टू द वॉइस कमांड, उसके बाद आप क्या करोगे, उस वॉइस कमांड के जो उसमें आपने क्लिक किया उसको रिलीज कर दोगे, देन आफ्टर दैट अपने आप वो सर्च में चला जाएगा वो वर्ड। तो ये सारी चीजें होती हैं सर्च बॉक्स में, मतलब आप टाइप भी कर सकते हैं, आप वॉइस से भी कमांड दे सकते हो। सो दिस वॉज अबाउट सर्चिंग द इंटरनेट फॉर कॉन्टेंट। तो टिल टुडे वी हैव, आज तक मतलब हमने इस चैप्टर में क्या क्या देख दिया, लर्न अबाउट वर्किंग ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट कैसे वर्क करता है, इसमें जो मेन चीज है वो क्या है, इंटरनेट प्रोटोकॉल, जिस जो कैसे डिनोट होता है आईपी से, एंड ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल टीसीपी, इसके भी स्टेप्स थे, ये भी कल हमने डिस्कस किया था। देन वी हैव लर्न अबाउट वेब, कि वेब क्या होता है, कितने टाइप के पेजेस होते हैं, पेजेस कौन कौन से होते हैं, एडवोकेसी वेब पेज, मार्केटिंग वेब पेज, इंफॉर्मेशनल वेब पेज, न्यूज वेब पेज, पोर्टल वेब पेज, पर्सनल वेब पेज, ये सारे होते हैं। फिर इसमें भी की टर्म्स थे, जैसे कि कौन कौन से थे, सर्च इंजन, कीवर्ड, वेबसाइट, वेब, वेब ब्राउजर, वर्ल्ड वाइड वेब, www, देन कम्स दी होम पेज। तो ये सारे इसमें टर्मिनोलॉजीज थे, जो कि आप जब आपको वेब पढ़ना है तो यू शुड नो अबाउट दिस टर्मिनोलॉजीज। देन वी हैव स्टडीड ऑल्सो अबाउट, लर्न अबाउट यू आर एल। यू आर एल क्या होता है, हमने ये देखा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ये क्या होता है, इसमें क्या क्या आता है, जैसे कि जो यू आर एल है उसमें क्या आता है, प्रोटोकॉल आता है, डोमेन नेम आता है, पाथ टू द वेब पेज आता है। तो अब ये जो पहला एग्जाम्पल है इसमें ही दिया है, जैसे हमारे पास एक लिंक होता है, कोई लिंक है, तो दैट लिंक इज टर्म्ड एज यू आर एल। आप जो लिंक है हमारे पास अवेलेबल, हम उसको क्या कह सकते हैं, यू आर एल कह सकते हैं। अब उसमें जो पोर्शन होता है जो कंटेन करता है एच टी टी पी या एच टी टी पी एस, तो वो आ जाता है प्रोटोकॉल के अंदर। देन उसके बाद जहां से www से स्टार्ट होता है और .com में खत्म होता है, वो वाला आ जाता है डोमेन नेम। देन उसके बाद कोई नंबर होता है, ठीक है, कोई नंबर दिया, जैसे 80 दिया या 443 दिया या 442 दिया, कोई नंबर दिया हुआ है, तो वो डिफाइन करता है, वो लोग वो रिजेंबल करता है पोर्ट को। देन जो लास्ट का आपका जो, फिर जो ईमेल जो एड्रेस दिया था, नॉट ईमेल,
जो उसमें एड्रेस लास्ट में प्रोवाइड होता है वो होता है पाथ। ऐसे हम एक अपना जो एक हमारे पास लिंक अवेलेबल है उसको भी हम ऐसे डिवाइड करते हैं। तो क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं, आपको एक लिंक दे दिया कोई भी, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन द एग्जामिनर कैन आस्क, इस लिंक को आप डिवाइड करो और बताओ, मेंशन करो कि कौन सा पोर्शन प्रोटोकॉल है, कौन सा डोमेन नेम है, एंड विच वन इज पॉट एंड विच वन इज पाथ। लाइक दिस ऑल्सो द क्वेश्चन कैन, वन कैन फॉर्म ए क्वेश्चन। Then we have learned about this also, कि method of internet access, हम internet को कैसे access करते हैं। तो हमने देखा dial up connection से करते हैं, चार method से करते हैं, dial up connection से करते हैं, digital subscriber line से करते हैं which is DSL, then cable modem से करते हैं, then integrated service digital network से करते हैं। तो जो dial up connection होता है वो क्या होता है, एक या दो लोग यूज कर सकते हैं। अगर कोई छोटा बिजनेस है या सिर्फ जस्ट स्टडी पर्पस के लिए आप यूज कर रहे हो तो एक से लेके दो जो लोग हैं वो इसको यूज कर सकते हैं। और इसका जो कनेक्शन होता है उसका स्पीड, उसका जो होता है ये कॉस्ट इफेक्टिव होता है, मतलब रेट थोड़ा कम होता है इसका। और इसमें कितना हमको स्पीड कितना मिलता है, 56 kbps स्पीड मिलता है। और इसका जो कनेक्शन होता है वो टेलीफोन के थ्रू होता है, ठीक है, घर में जो लैंडलाइन होगा आपका उसके थ्रू होगा इसका कनेक्शन। देन आता है सेकेंड था डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, इसमें भी जो कनेक्शन होता है ये एक कॉपर वायर के थ्रू होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, इसका जो कनेक्ट जो स्पीड है वो इसमें ज़्यादा मिलेगा। इसका जो स्पीड होता है ये अराउंड 8 Mbps, 8 Mbps तक का इसमें स्पीड मिलता है। तो स्पीड इसमें क्या है, बहुत ज़्यादा स्पीड मिल रहा है आपको। और इसका जो ये कॉस्ट, ये थोड़ा सा कॉस्टली होगा, डायल अप से थोड़ा ज्यादा कॉस्टली होता है, जो फर्स्ट हमने देखा उससे कॉस्टली ये रहता है। और इसमें नंबर ऑफ पर्सन दिस डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन कैन बी यूज्ड बाय अ मोर नंबर ऑफ पीपल, ज्यादा लोग यूज कर सकते हैं, एक साथ में 10-15 लोग भी यूज कर सकते हैं। देन कम्स द केबल मॉडेम। केबल मॉडेम में क्या होता है, किसी एक केबल के थ्रू, जैसे एक हमारे घरों में जो वॉल है उसमें केबल का प्लग रहता है, केबल प्लग में अटैच कर दिया, देन इसको कर दिया हमने केबल मॉडेम में अटैच कर दिया उस केबल प्लग को, देन उसके बाद हमने जो सिस्टम है हमारा उसके साथ डायरेक्ट कनेक्ट करके हम वर्क कर सकते हैं। जो लास्ट होता है इंटीग्रेटेड सर्विसेस डिजिटल नेटवर्क, इसमें क्या होता है, इसमें एक हमको टर्मिनल अडेप्टर की जरूरत होती है, तो हम अडेप्टर लेंगे, ठीक है। उसके बाद जो कनेक्शन है उसको अडेप्टर से कनेक्ट करेंगे, देन उसके बाद अपने सिस्टम के साथ अटैच कर सकते हैं। ये वायरलेस होता है, मतलब सॉरी, ये इसको आप ऐसे वैसे भी यूज कर सकते हो, वायरलेस का कुछ नहीं है, सॉरी। इसमें आप जैसे इसका स्पीड ज़्यादा है और इसमें आप बहुत ईजीली ऑडियो वीडियो कंटेंट को भी बहुत ईजीली आप शेयर कर सकते हो विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ टाइम। मोस्टली अगर आप नॉर्मल इंटरनेट यूज कर रहे हैं तो अगर आप ऑडियो और वीडियो, अगर जैसे कोई एक वीडियो है या ऑडियो है कोई, उसको शेयर करने में थोड़ा सा टाइम लग सकता है, ओके, बट इसमें क्या है, स्पीड ज्यादा रहता है तो आप इजीली इसको यूज कर सकते हो। देन एसेसिंग द वेबसाइट, वेबसाइट को हम कैसे यूज करते हैं, वेबसाइट क्या होता है, इंटरनेट क्या है, ये हमने देख लिया था। और फिर हमने देखे थे टर्मिनोलॉजी। टिल हियर इट्स कंप्लीटेड। अगर इस जितना मैंने स्टार्टिंग से, जैसे इस यूनिट में 9 chapters में हमने यूजेस ऑफ इंटरनेट एंड ईमेल में की टर्म से स्टार्ट किया, अगर वहां से लेकर के आज जितना हमने पढ़ा उसमें कहीं डाउट है तो यू कैन आस्क मी।
देखो इस यूनिट को मैं इसीलिए थोड़ा ज्यादा एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ, बिकॉज देखो ये है तो बहुत इजी यूनिट है, और आप मुझे पता है कि मुझसे ज्यादा अच्छे से तुम लोगों को पता होगा, बिकॉज ये क्या है ना, हम यूज करते हैं ऑन ए डेली बेसिस, नॉट एवरी डे हम वंस यूज करते हैं, एवरी आवर हम यूज करते हैं, एवरी टाइम वी आर बिजी इन इंटरनेट, राइट? तो ये बहुत अच्छे से सबको पता है, इसका यूजेस पता है, एवरीथिंग इज वेरी मच फेमिलियर. द ओनली प्रॉब्लम विद दिस यूनिट इज कि आपको यूज करना आता है इसको. इसमें आपको प्रैक्टिकल नॉलेज में आप एकदम प्रो हो, एवरीबडी इज प्रो, बट आपको जो थ्योरी है इसका नहीं पता है, हमें थ्योरी इसका नहीं पता है, तो इसके थ्योरी पे फोकस करना जरूरी है. और ये जो आप ये जो यूनिट है ना, ये आपके थ्योरी बेस्ड ही यूनिट है. ये जैसे हमने जितने भी माइक्रोसॉफ्ट से जो भी पढ़ा हमने, वर्ड एक्सेल जो भी था, वो प्रैक्टिकल बेस्ड यूनिट थे, ठीक है? वो प्रैक्टिकल बेस्ड थे, तो उसपे अगर आपको थ्योरी का कम पता है बट आपको प्रैक्टिकल एकदम क्लियर है तो भी चलेगा आपको, क्योंकि वो प्रैक्टिकली अप्लाइड होता है. आपको कोई ऐसे नहीं बोलता कि अच्छा चलो ठीक है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को डिफाइन करो ऐसे करके. एग्जाम में पूछ सकते हैं, जैसे अभी आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हो तो आपके सिलेबस में है तो आ सकता है ऐसा कुछ, बट अगर आप प्रैक्टिकल लाइफ में जाते हो तो उस समय कोई ऐसे नहीं पूछता कि क्या है, डिफाइन करो, ये डिफाइन करो, वो डिफाइन करो, उसमें इतना कुछ नहीं होता है डिफाइन करने के लिए. द ओनली थिंग विच द पर्सन विल आस्क यू कि डू यू नो व्हाट इज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, डू यू नो व्हाट इज माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, डू यू नो हाउ टू वर्क इन इट, आपको काम करना आता है नहीं आता है, दीज थिंग दे विल आस्क, दैट्स ऑल. बट इसमें हो सकता है, इसमें क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं कि डोमेन क्या होता है बताओ, पोर्टल क्या होता है बताओ, है ना? और आप इंटरनेट में कैसे सर्च करते हो ये बताओ. तो इसमें क्वेश्चंस बन सकते हैं जो कि थ्योरी बेस्ड में है. इससे मैं इसकी थ्योरी बेस्ड में ज्यादा फोकस कर रही हूँ, और इसमें क्वेश्चंस बन भी बहुत सारे रहे हैं. जो जो हम एक एक कंटेंट पढ़ते जा रहे हैं उसमें क्वेश्चंस भी बहुत बन रहे हैं. जैसे कि एसेसिंग द वेबसाइट में, और मेथड्स बन सकता है इसमें, जैसे मेथड्स ऑफ इंटरनेट एक्सेस, इसमें ही क्वेश्चन बन जा रहा है. अगर एक्सप्लेन में आ गया तो इसको अगर आप एक्सप्लेन करने चले गए तो भी इसमें 5 मिनिमम 5 मार्क्स का क्वेश्चन बन रहा है. इसीलिए मैं बता रही हूँ आपको कि अब यूआरएल है, यूआरएल में अगर आपको से एक लिंक दे दिया और उसको बता उसमें पूछ लिया कि डिनोट विच इज द डोमेन पोर्शन और विच इज द पोर्टल पोर्शन, ऐसे करके अगर आपको दे दिया तो इसमें भी 2 नंबर 3 नंबर का क्वेश्चन आराम से बन जा रहा है. तो मतलब ईच एंड एवरी सेगमेंट में ना कुछ क्वेश्चन बन रहा है. तो अब आपसे पूछ लिया कि टाइप्स ऑफ वेब पेजेस, तो 6 टाइप्स ऑफ वेब पेजेस हैं, ये पूछ सकते हैं. तो हम डेली कुछ पढ़ रहे हैं तो डेली जो हम पढ़ रहे हैं उसमें एक क्वेश्चन बन जा रहा है. दैट्स वाई आई एम आस्किंग, दैट्स वाई आई एम फोकसिंग मोर मोर ऑन दिस टू एक्सप्लेन यू इन ए बेटर वे. कोई डाउट होगा तो मुझसे पूछ लेना है, ठीक है?